नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीसी क्लास। तो जो आज का कार्य पत्रक है वो आपका मानचित्र को लेकर दोबारा से ही है, सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप कार्य पत्रक। और ये कार्य पत्रक दोबारा मानचित्र को लेके है और ठोस नंबर होते हैं। इसे आप कर लेंगे तो आपके जो नंबरों की संख्या होती है ना पेपर, वो बढ़ जाती है। नीचे दिए गए भारत मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। ठीक है, आपको उचित चिन्ह लेके इसे आपको अपने मैप पर दर्शाना है। तो चिन्ह बनाने होते हैं, तो चलिए थोड़े बहुत चिन्ह बना के देख लेते हैं किस प्रकार से हैं आपके। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से चिन्ह भी बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्वत का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तो पर्वत बनाने के लिए हम इस प्रकार से या इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे लिख देंगे पर्वत। ठीक है, उसके बाद आपको चोटी बनानी है। ठीक है, आप चोटी बना के इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं, चोटी बन जाएगी ये। ठीक है, आपको अपने हिसाब से बनाना है ये। तो यहाँ पर्वत चोटी लिख देंगे, पर्वत चोटी। ठीक है, उस पर पठार दे रखा है, तो पठार को आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये पठार। और इसके बाद आपको घाट दिखाना है, तो घाट आप किस प्रकार से दिखाए, मैंने अपने हिसाब से मैं कलरफुल ऐसे करके ले रहा हूँ। तो इससे आप बताइए आपका घाट। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, यहीं से मैंने पर्वत दिखाना है आपको, फिर पर्वत चोटी, फिर नागू पठार दिखाना है, फिर तट, फिर ये घाट। ठीक है, तट और घाट इसी से हम दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि नई चीजें भरी और अलग से आपको बनाना, तो इसमें बना भी सकते हैं आप। तो जगह है तो तट भी दिखाते हैं, तट। ठीक है, तो तट को दिखा देंगे हम एक सिंपल लाइन से। ठीक है, लाइन से तट तट हो जाएगा। तो चलिए सबको खोजना शुरू करते हैं कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले इसने कहा है अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला है वो आपके राजस्थान में पाई जाती है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे पर्वतमाला जो है आपको इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे कर ऐसे करके आपको पर्वतमाला ही बना देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पता चल जाएगा क्या है अरावली पर्वतमाला। इसे अगर लिखना है तो इसे आप लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, इसे इस प्रकार से करके यहाँ पे अरावली पर्वत माला। ठीक है, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। दूसरा है आपका, ठीक है, ये रहा अब अरावली पर्वत माला। दूसरा है आपका अनाई मुदी पर्वत चोटी। अब तो अनाई मुदी पर्वत चोटी कहाँ पे आपकी स्थित है देखते हैं मैप में। ये आपका साउथ इंडिया में केरल के पास। ठीक है, तो आपका यहीं के आसपास होता है। आपको पता है मैप में आपको आसपास पहुंच जाते हैं, फिर भी उसके आपके नंबर मिलते हैं। और आपको आपको इसकी पर्वत चोटी बतानी है, तो पर्वत चोटी आपको इस प्रकार से दिखानी है। तो यहाँ पे आप पर्वत चोटी को इस प्रकार से बना के निकाल भी देंगे। और ये किसकी पर्वत चोटी है यहाँ लिख के आप लिख सकते हैं अनाई मोदी पर्वत चोटी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, तभी आप ये बात बन पाएगी। नहीं तो अगर आप खरीद के लेके आ सकते हैं मैप, तो और अच्छी बात है। ठीक है, इन्होंने राजनीति वाला दे रखा था, इसको भौगोलिक वाला लेना चाहिए था, तभी इस पे आप सही पड़ेगा। क्योंकि भौगोलिक वाले में ना ये सब लाइनें बीच में नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे ये चलता है। तो चलिए अगला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, अब ये दिखाना है, ये आपका झारखंड के आसपास आता है। अगर आप यहाँ पे तो पता ही चल जाता है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड यहीं के आसपास है। तो यहीं प्रकार आपको यह इस प्रकार से पठार बना देने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से अगर पठार बना देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर भी चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको इस बात का तो अंदाजा हो जाता है कि पठार यहीं पर आपके। तो इसे खींच के आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इसे बाहर आके इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे क्या था, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा पठार। इस प्रकार से बनाना, तो इस प्रकार से यहां बना के दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका है डी नंबर पे कोंकण तट। कोंकण तट ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ये बिल्कुल ब्लर नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका जो कोंकण तट है वो आपका इस प्रकार से है। जब आपने ये सामाजिक विज्ञान पढ़ा था और भूगोल का पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप, वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई थी आपकी। तो आपको जो तट है वो लाइन के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से लेके इस प्रकार से आप लाइन बना सकते हैं यहाँ पे, तट इस प्रकार से लाइन बना दीजिएगा। ठीक,
ये लाइन मैं नीचे ले आया, लेकिन ये महाराष्ट्र से होते हैं, महाराष्ट्र और गोवा के बीच, आप इस प्रकार से खींचिएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से खींच दीजिएगा, ठीक है। ये वाली मैंने ज़्यादा खींच दी क्योंकि इधर नहीं रहेगी, मैं दूसरे पेंसिल कर, बस इसी वजह से कहते हैं कि पेंसिल करना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाता है आपका। महाराष्ट्र से गोवा के बीच, महाराष्ट्र से गोवा के बीच जो आपका तट होता है उसे कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से खींचिएगा, मैं दोबारा बना देता हूँ इस लाइन को, लाइन खींच के, ठीक है, और इस पर पेंसिल चला दे तो ये कम ना दिखाई दिखाई ना दे, ठीक है, पेन तो चलाई थी हमने, ठीक है। तो समझ जाइएगा ये वाला आपका हिस्सा है, ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक आपको आना है, ठीक। तो इसी वजह से पेंसिल्स करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाए, तो उसे आप रफ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट। अब आता है आपको पश्चिमी घाट, यहाँ देखेंगे जो जो ई नंबर पे आपको पढ़ना है पश्चिमी घाट, तो कोंकण तट भी एक बार लिख देते हैं, तो मगर मैं यहाँ से लेके कर ऐसे कर देता हूँ, और इसे इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोंकण तट, कोंकण तट इस प्रकार लिख दूंगा, तब भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका लास्ट है पश्चिमी घाट दिखाना है आपको, तो पश्चिमी आपको इसी तरफ होगा, पश्चिमी घाट दिखाना है। पश्चिमी घाट किस प्रकार दिखाएंगे, लाइन को डार्क करना है आपकी बार, अब इसे डार्क डार्क से दिखाना है। तो पश्चिमी घाट आपको जितना भी आपको यहाँ से लेके जितना भी नीचे है ना आपको, पूरा पश्चिमी घाट है आपका, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप मोटा कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, और इसे बाद में कलर कर दीजिएगा इस प्रकार से, ऐसे जितना भी है आपका क्या है पश्चिमी घाट ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट है आपको, ये थोड़ा सा घूम कर अंदर से आएंगे तो उस हिसाब से वैसे बनाना है आपका, समझ रहे हो ये वाला। तो ये जो घाट था लास्ट वाला पश्चिमी घाट, यहाँ पे अगर इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ से आप पश्चिमी घाट यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ से लाइन खींच के इस प्रकार से अगर लिखना होगा इसे, तो पश्चिमी घाट, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए, पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद है समझाने में मैं काफी ठीक कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैप में कई बार चीजें क्या होती है आपको इस प्रकार से बनाना पड़ता है, ठीक है, बनाना तो पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि चिन्हों से बहुत सारी चीजों को दिखाई पड़ती है, तभी उसे आपका सही मैप माना जाता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ठीक है, इसमें आपको जो मैप में दिखा रहे थे ये वाला हिस्सा आपका हो चुका है। इसमें दो जो दूसरा हिस्सा है वहां पे कुछ प्रश्न पूछे हैं, एक एक नंबर के प्रश्न है, इसे जल्दी से हम आंसर दे देते हैं ताकि वर्कशॉप की लंबी ना हो, ठीक है। पुस्तक में दिए गए भारत के भौतिक लक्षणों वाले मानचित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो और ये आप वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं जब ये अध्याय आप कर रहे थे, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे आपको पता है जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, केटू पर्वत, क्या लिखेंगे, केटू पर्वत, और इसकी जो ऊंचाई है आपकी मैं बताऊं 8611 मीटर, ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, जो आपकी नर्मदा होती है और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं उसे, तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अगला है विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, तो यहाँ है मालाबार, तो नीचे वाला जो हिस्सा था आपका मालाबार वाला ही था, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, मालवा, सॉरी मालवा होता है, मालवा का पठार मालवा है, ठीक है, मालाबार नहीं मालवा। फोर नंबर पे है कोरामंडल तट के पास स्थित भारत के दो राज्य के नाम लिखिए, ठीक है। कोरामंडल आपका जो ये वाला साइड था सब कोरामंडल तट है, यहाँ पे दो राज्य कोई से भी लिख सकते हैं, दो क्या देख, तो फेमस आंध्र प्रदेश और नीचे वाला तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और दूसरा तमिलनाडु। ये तो मैप भरवा रहे तब पढ़ रहे हैं, वैसे भी जब हम वर्कशीट कर रहे थे, ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप में ये सब हम पढ़ चुके हैं। वहां पे पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है, अब देखो ये कमाल का क्वेश्चन पूछ लिया, पूर्वी घाट, अब पूर्वी घाट कौन सी दिशा में, आप देख रहे हो ना पांचवा नंबर, पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है, अरे जो पूर्वी घाट होगा पूर्व में ही स्थित होगा, और कहाँ स्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसका आंसर पूर्वी दिशा में ही लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूर्वी दिशा में स्थित है,
जो पूर्वी घाट होंगे पूर्वी दिशा में स्थित होंगे, ठीक है। तो आपकी इस प्रकार से ये वर्कशीट हो जाती है, काफी छोटी सी वर्कशीट थी, काफी सिंपल है। जो मैप है आपको या दुकान से लाना पड़ेगा, फिर उसमें इस प्रकार से भरना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ चीजें आपको इस प्रकार बना लेनी होंगी, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।